हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दे ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस अते इस दे रोल बारे सीखोगे। भारत सरकार ने अप्रैल 1988 विच सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापित किया। सैबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नू स्टॉक मार्केट विच तरतीबवध अते हेल्दी डिवेलपमेंट नू उत्साहित करन दे दृष्टिकोण नाल सिक्योरिटी मार्केट दे कम नू रेगुलेट करन लई स्थापित किया गया सी। शुरू विच सैबी नू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दे तौर ते स्थापित किया गया सी। एक कम नू कंट्रोल करन दे योग नहीं सी अते कैपिटल मार्केट नू प्रभावशाली ढंग नाल कंट्रोल नहीं कर सकी। नतीजे वजों इस नू मई 1992 विच लीगल स्टेटस अते स्थाई सफलता लई शाखा दे तौर ते कॉर्पोरेट करन दे लई कानूनी अधिकार दिता गया। 1992 विच सैबी ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट दे तहत एक कानूनी शाखा नू बनाया सी। जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन अते सैबी दे अफेयर्स दी मैनेजमेंट दे मामलियां नू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नू सौंपिया गया। इसका हेड ऑफिस मुंबई विच स्थित है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सैबी दी विषय सूची सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दे बेसिक फंक्शंस नू दर्शाउंदी है, जिवें टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड for matters connected therewith or incidental thereto. Investors da securities which interest bachaun layi ate vikas nu utshahit karan layi ate security market ate us naal jude ja gair zaruri mamlyan nu regulate karan layi. SEBI nu Bharat vich market securities nu utshahit ate regulate karan layi एक सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पर बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंजेस सिक्योरिटीज़ जारी करन वालियां कंपनीज अते इंटरमीडियरीज जिवें के मर्चेंट बैंकर्स ब्रोकर्स आदि निगरानी अते ऑपरेशंस नू कंट्रोल करन लई लोड़िंदी है। इस नू नवियां अते पुरानियां सिक्योरिटीज़ विच इन्वेस्टर्स दे इंटरेस्ट नू बचाउण लई अते प्रोटेक्ट करन लई बनाया गया है। सैबी दे उद्देश हन सिक्योरिटीज विच इन्वेस्टर्स दे इंटरेस्ट नू बचाउण लई सिक्योरिटी मार्केट दे विकास नू उत्साहित करन लई सिक्योरिटी मार्केट नू रेगुलेट करन लई। आओ हुण असीं सैबी दे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बारे सिखदे हां। सैबी एक कॉर्पोरेट बॉडी है। इस दा प्रबंध एक चेयरमैन अते 8 मेंबरां दे बोर्ड द्वारा कीता जांदा है। इस दा हेड ऑफिस मुंबई विच है अते ब्रांच ऑफिसेस कोलकाता चेन्नई अते न्यू दिल्ली अंदर हन। इस कोल 2 एडवाइजरी कमिटीज हन, एक प्राइमरी मार्केट लई अते दूजी सेकेंडरी मार्केट लई। इसने अपनी एक्टिविटीज नू 5 डिपार्टमेंट्स विच वंडिया होया है अते हरेक डिपार्टमेंट दा मुख अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आओ हुण असीं सैबी दे ऑब्जेक्टिव्स बारे पढ़दे हां। सैबी नू हेठ लिखे ऑब्जेक्टिव्स दी पूर्ति करन लई स्थापित कीता गया। इन्वेस्टर्स दे इंटरेस्ट्स नू बचाउण लई प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सैबी नू मुख तौर ते इन्वेस्टर्स दे इंटरेस्ट्स नू बचाउण लई स्थापित कीता गया सी। कंपनीज कई बार इन्वेस्टर्स नू गलत जानकारी दे के गुमराह कर दिया हन अते ओ गलत निवेश ते फैसले कर सकदे हन। सैबी दा उद्देश कंपनीज दी सही अते उचित स्थिति इन्वेस्टर्स नू पहुंचाना हुंदा है तां कि ओ उचित फैसले लैण दे योग हो सकन। इस प्रकार सैबी इन्वेस्टर्स नू कुछ हद तक सुरक्षा मुहैया कराउंदी है अते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦਾ ਸਟੇਡੀ ਫਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੈਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੈਬੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ, ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਸਵੱਛ ਸੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਲੀਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਬੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰਸ, ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗਸ। ਸੈਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੰਡਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੈਬੀ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ, ਦ ਇਸ਼ੂਅਰਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਦ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਲੇ, ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀਸ। ਸੈਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਨ, ਕੁਆਜ਼ੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕੁਆਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਬੀ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਸੰਚਾਲਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੈਬੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
कंट्रोल ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग एक बुरी आदत है जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स नो नुकसान पहुंचाती है। प्राइस रिगिंग प्राइसेस विच आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होंदी है अते ज्यादा तो ज्यादा इन्वेस्टर्स नो खिंचदी है, फिर कंपनी बारे बहुत सारी अफवाहां फैला के कीमतों नो हेठा लिया जाता है अते कॉमन इन्वेस्टर्स अपने शेयर कट कीमतों ते वेच देंदे हैं। इस किस्म दी रिगिंग जां तां शेयर्स नो खरीदण जां शेयर्स नो वेचण लई सट्टेबाजां द्वारा कीती जांदी है अते आम निवेशक अपने पैसे नो गवा देंदे हैं। अंदरूनी ट्रेडिंग ते कंट्रोल। कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेनिंग। जदों एक व्यक्ति एक कंपनी नाल जुड़िया हुंदा है अते उसनू इस दी कार्य शैली बारे महत्वपूर्ण जानकारी जां फैसले बारे पता हुंदा है अते फिर शेयर्स नू खरीद के जां वेच के अपने लाभ लई कोशिश करदा है, इसनू अंदरूनी ट्रेडिंग कहा जांदा है। उदाहरण लई एक डायरेक्टर जानदा है कि नेड़ले भविख विच कंपनी बोनस शेयर घोषित करन जा रही है अते ओ इस जानकारी नू अपने परिवारिक मैंबरां जां रिश्तेदारां नू दिंदा है अते ओ उहनां शेयर्स नू खरीद लैंदे हन। जदों बोनस घोषित हो जांदा है तद नवां होल्डर बोनस शेयर दे रूप विच फ्री शेयर्स नू प्राप्त कर लेगा अते ओ इस ट्रांजैक्शन द्वारा लाभ कमाउंदा है। सैबी अजिहे शेयर्स ते निगाह रखती है अते अजिहे अभ्यासां नू रोकती है। निवेशकां दे रक्षा साधन सेफगार्डिंग इन्वेस्टर्स। सैबी अखबारां विच प्रेस नोट्स जारी करती है अते स्टॉक एक्सचेंजेस विच वख-वख प्रैक्टिसेस बारे निवेशकां नू एजुकेट करन लई बुकलेट लैके आउंदी है अते इस दे नाल माल प्रैक्टिसेस बारे सुचेत करदी है। ए एक्सरसाइज इन्वेस्टर्स दे इंटरेस्ट्स नू सेफगार्ड करन विच मदद करदी है। रक्षा साधन कोड ऑफ कंडक्ट। सेफगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट। सैबी कैपिटल मार्केट विच अपनाए जाण वाले कोड ऑफ कंडक्ट नू तैयार करदी है। ए कोड एक सही तरीके नाल बिजनेस नू चलाउण विच मदद करदा है। संचालिकता फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शंस। सैबी पूरी निगरानी द्वारा सिक्योरिटी मार्केट नू संचालित अते स्टॉक एक्सचेंज नू कंट्रोल करदी है। इस संबंध विच हेठ लिखे कम्मां नू कीता जांदा है। स्टॉक एक्सचेंजेस दी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। सैबी स्टॉक एक्सचेंजेस विच बिजनेस अते दूजियां होर सिक्योरिटी मार्केट्स नू संचालित करदी है। ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अते ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OCTEI समेत रूल्स एंड रेगुलेशंस नू जारी करके स्टॉक एक्सचेंजेस दे कम नू संचालित करदी है। वख-वख ऑर्डर्स दी कंप्लायंस दर्शा के सैबी कोल स्टॉक एक्सचेंजेस नू रेगुलर रिटर्न्स नू दर्ज करन दी लोड़ हुंदी है। एक किसे भी इररेगुलैरिटी नू देखण लई ऑडिट भी करवा सकदी है। विचोलियां दा संचालन रेगुलेटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जिवें ब्रोकर्स अंडरराइटर्स मर्चेंट बैंकर्स आदि दे कम नू संचालन करन लई सैबी ने रूल्स अते रेगुलेशंस बनाए हन अते उहनां लई कोड ऑफ कंडक्ट नू वी तैयार कीता है। इंटरमीडियरीज नू अपने काम नू करन लई वख-वख हदायतां नू अपनाउणा पैंदा है। इस प्रकार इस स्टॉक ब्रोकर्स शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मर्चेंट बैंकर्स अंडररायटर्स अते दूजे इंटरमीडियरीज नू रजिस्टर अते रेगुलेट करन नाल संबंधित है जो कि सिक्योरिटी मार्केट नाल संबंधित हन। म्यूचुअल फंड्स नू रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स। सारे म्यूचुअल फंड सैबी नू रजिस्टर होंदे हन। उन्हां नू अपने बिजनेस अते सैबी द्वारा लोड़ींदी कार्यशीलता बारे जानकारी देनी होंदी है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड्स अते दूजियां कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नू रजिस्टर अते रेगुलेट करना
सेबी दे महत्वपूर्ण रेगुलेटरी फंक्शंस विचों एक है। सफल बोली दा निरीक्षण, इन्वेस्टिगेटिंग टेकओवर बिट्स। बिट्स विच शामिल है 50% तो ज्यादा शेयर्स नू खरीदन अते वेचन द्वारा एक कंपनी दी मैनेजमेंट नू बदलना। सेबी अजिहे कम्मा पिछे असल रुझान दा पता लगाउन ले निरीक्षण कर दी है। नया प्रगति एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। सेबी नू वख वख मामलियां नू हल करन ले विस्तार जां होर जानकारी दी लोड़ हुंदी है। एक व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है ओ एपिलाइट ट्रिब्यूनल कोल अपील कर सकता है। विकासशील फंक्शन डेवलपमेंटल फंक्शंस। सिक्योरिटी मार्केट नू विकसित करन ले सेबी हेठ लिखे विकासशील कम्मां नू करदी है। रजिस्ट्रेशन। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, ट्रांसफर एजेंट्स, लीड मैनेजर्स आदि मेंबर्स दी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर देती है। इस कदम ने इन्हां व्यक्तियां दे कम्मां विच ट्रांसपेरेंसी लियाउण विच मदद कीती है अते इन्हां दे कम्मां विच निवेशकां दा विश्वास वधिया है। जगह रहत ट्रेडिंग फ्लोरलेस ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रांजैक्शंस विच कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं सी इसलिए निवेशक हमेशा उन्हां दे आधार ते व्यापार ले ब्रोकर्स नूं लभदे सन। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग विच इंटरनेट दी वरतों ने इस सिस्टम विच विश्वास पैदा कीता है। ब्रोकर्स कंप्यूटर टर्मिनल्स दी मदद नाल ट्रांजैक्शंस करदे हन इसलिए कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग ने कैपिटल मार्केट दे विकास विच बहुत मदद कीती है। इश्यूज नू मॉनिटर करना मॉनिटरिंग इश्यूज। नवी इश्यूज दी कीमत कट करन लई सेबी ने वख वख मापदंड तैयार किते हन। अंडरराइटिंग नू ऑप्शनल बनाया है। उत्साहित खोज प्रमोशनल रिसर्च। कैपिटल मार्केट दे विकास नू उत्साहित करन लई रिसर्च नू उत्साहित कीता है। अजिही रिसर्च स्टॉक एक्सचेंज दीयां गतिविधियां नू सही करन, कारज शैली दीयां विधियां नू तैयार करन, कैपिटल मार्केट नू मजबूत बनाउण लई कीती जांदी है। आओ हुण असी सेबी दी भूमिका नू इस संबंध विच सिखदे हां जो है लोक मुद्दा पब्लिक इश्यू सेकेंडरी मार्केट म्यूचुअल फंड्स टेकओवर विदेशी अदारियां दे निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरीज एंड कस्टोडियंस अमोलिक डेरिवेटिव्स समूहिक निवेशक स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अते सिक्योरिटी दी वापस खरीदारी बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। आओ असी इस संबंध विच एक एक करके इन्हां हरेक दे संबंध विच सेबी दी भूमिका बारे सीखते हां। पब्लिक इशू। किसी भी कंपनी जां एक लिस्टेड कंपनी नूं पब्लिक इशू जां 5 लाख तो ज्यादा कीमत दे राइट्स नूं जारी करन लई सेबी कोल इस दे निरीक्षणा लई एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना जरूरी है। कंपनी सेबी कोलों ऑब्जर्वेशंस प्राप्त करन तो बाद ही अगे चल सकती है। कंपनी अपने मुद्दे नूं सेबी दे ऑब्जर्वेशन लेटर दी तरीक तो 3 महीने दे अंदर खोल सकती है। पब्लिक इश्यूज द्वारा प्राइमरी मार्केट तक पहुंचन लई सेबी ने कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स तैयार किते हन। एंट्री नॉर्म्स केवल एक पब्लिक इशू तैयार करन वालियां आईपीओ और एफपीओ कंपनीज लई होंदा है अते ना के राइट्स इशू नू तैयार करन वाली कंपनीज लई। सेकेंडरी मार्केट। सेबी एक्ट दा सेक्शन 3 इन्वेस्टर्स दा सिक्योरिटीज विच इंटरेस्ट बचाउंदा है अते इस दे नाल सिक्योरिटी मार्केट अते संबंधित मुद्दियां नू रेगुलेट करन अते विकास करन लई उत्साहित करदा है। म्यूचुअल फंड्स
ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਬੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਹਰਾਈ 1996 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਫੋਰਨ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਨੇ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ AMC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸੈਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੌਂਸਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। AMC ਦੇ 50% ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੇਕਓਵਰ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਡੀਲਸ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ, ਓਪਨ ਆਫਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਓਪਨ ਆਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਫਰ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੋਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰ FII, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਰੋਡ ਬੇਸਡ ਫੰਡਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਸ ਨੂੰ FII ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਰ ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਸ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਨੋਮੀਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਟਰੱਸਟੀਜ਼, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੋਰਨੀ ਹੋਲਡਰਸ, ਬੈਂਕ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ A ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਬੀ FII ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ 1995 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਬੀ ਕੋਲ 2 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 390 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ DP ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1992 ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਜੈਸਟਿਵ ਬਾਇਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰ LC ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਸਕੀਮਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਰੇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ
योग बनाउन लई। पब्लिक नू ऑफर डॉक्यूमेंट्स सेबी कोल डॉक्यूमेंट फाइल करन दे 21 दिनां बाद जारी होंदा है अते सेबी द्वारा रिटर्न विच किसे भी मॉडिफिकेशन दा सुझा नहीं दिता जांदा। सिक्योरिटीज दी वापस खरीदारी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टेड कंपनीज नू स्टॉक एक्सचेंज दियां जनरल मीटिंग्स अते पास रेजोल्यूशंस दी जानकारी दी लोड हुंदी है। जानकारी नू स्टॉक एक्सचेंजेस तो प्राप्त कीता जा सकता है। आओ हुन संखेप करिए कि असी इस एपिसोड विच की सिख्या है। भारत सरकार ने अप्रैल 1988 विच सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी नू बनाया। स्टॉक मार्केट विच ऑर्डरली अते हेल्दी डेवलपमेंट नू उत्साहित करन दे दृष्टिकोण नाल सिक्योरिटी मार्केट दे कम नू रेगुलेट करन लई स्थापित कीता गया सी। शुरू विच सेबी नू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दे तौर ते स्थापित कीता गया सी। एक कम नू लगातार कंट्रोल करन दे योग नहीं सी अते कैपिटल मार्केट नू प्रभावशाली ढंग नाल कंट्रोल नहीं कर सकी। 1992 विच सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक कानूनी शाखा नू बनाया सी। जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन अते सेबी दे अफेयर्स दी मैनेजमेंट नू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नू सौंपिया गया। इस दा हेड ऑफिस मुंबई विच स्थित है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी दी विशा सूची सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दे बेसिक फंक्शंस नू दर्शाउंदी है, जिवें इन्वेस्टर्स दा सिक्योरिटीज विच इंटरेस्ट बचाउण लई अते विकास नू उत्साहित करन लई अते सिक्योरिटी मार्केट अते उस नाल जुड़े जां गैर जरूरी मामलों नू रेगुलेट करन लई। सेबी दा मकसद है सिक्योरिटीज विच निवेशकां दियां दिलचस्पियां नू बचाउणा, सिक्योरिटी मार्केट दे विकास नू उत्साहित करना, सिक्योरिटी मार्केट नू रेगुलेट करना। सेबी दा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेठां अनुसार है। सेबी एक कॉर्पोरेट बॉडी है। इसका प्रबंध एक चेयरमैन अते 8 मेंबरां दे बोर्ड द्वारा कीता जांदा है। इसका हेड ऑफिस मुंबई विच है अते ब्रांच ऑफिसेस कोलकाता, चेन्नई अते नवी दिल्ली अंदर हन। इस कोल दो एडवाइजरी कमिटीज हन, एक प्राइमरी मार्केट लई अते दूजी सेकेंडरी मार्केट लई। इसने अपनी एक्टिविटीज नू 5 डिपार्टमेंट्स विच वंडिया होया है अते हरेक डिपार्टमेंट दा मुख अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेबी दे ऑब्जेक्टिव्स हन प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट, मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू इंटरमीडियरीज, प्रमोट फेयर डीलिंग्स। सेबी दे फंक्शंस हन प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस अते डेवलपमेंटल फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस विच शामिल है कंट्रोल ऑन प्राइस रिगिंग, कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेडिंग, सेफगार्डिंग इन्वेस्टर्स, सेफगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट। रेगुलेटरी फंक्शंस विच शामिल है मॉनिटरिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटिंग इंटरमीडियरीज, रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिगेटिंग टेकओवर बिड्स, एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। डेवलपमेंटल फंक्शंस विच शामिल है रजिस्ट्रेशन, फ्लोर लेस ट्रेडिंग, मॉनिटरिंग इश्यूज, प्रमोशनल रिसर्च। इस संबंध विच सेबी दी भूमिका दा अध्ययन कीता जा सकता है। पब्लिक इशू, सेकेंडरी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, टेकओवर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरीज एंड कस्टोडियंस, डेरिवेटिव्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अते बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इस एपिसोड विच असी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दे ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस अते इस दे रोल बारे सिखिया है। उम्मीद करदी हां तुहानू एपिसोड चंगी तरह समझ आया होवेगा। धन्यवाद।